वस्तुओं की लंबाई मापने, मेजरिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होने वाली सामान्य गलतियाँ, भाग एक। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा पांव से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका। इस वीडियो में हम देखेंगे वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली गलतियों के बारे में जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू और पिंकी के लिए उनकी मम्मी एक नया ब्लैक बोर्ड लाई है। वे दोनों उस ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ बना रहे हैं कि तभी पिंकी ने छोटू से कहा, छोटू तुम यहाँ पर कुछ नहीं बना सकते, ये मेरी जगह है। नहीं पिंकी, तुम्हारे पास तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पर मैं ही बनाऊंगा। छोटू और पिंकी को ऐसे बात करते देख उनकी मम्मी वहाँ आ जाती है। छोटू पिंकी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपनी अपनी जगह का माप ले लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी के पास ज्यादा जगह तो नहीं है। हाँ मम्मी, ये सही रहेगा, लेकिन हम मापेंगे कैसे? तुम एक काम करो, वहाँ मेज पर रखी वो पेंसिल ले आओ और उससे माप लो। छोटू मेज के ऊपर से पेंसिल उठा लाता है। छोटू, अब इस पेंसिल को अपनी जगह में रख कर देखो कि कितनी पेंसिल से वो पूरी हो रही है। ठीक है मम्मी। छोटू पेंसिल को अपनी जगह पर रख कर देखना शुरू करता है। एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल। अरे छोटू, तुम गलत कर रहे हो। क्यों मम्मी? माप लेते समय पूरी लंबाई मापनी होती है, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, और तुम तो जगह छोड़ छोड़ कर पेंसिल को रख रहे हो। अच्छा अब मैं समझा, मैं दोबारा देखता हूँ। तो ये हो गई एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, चार पेंसिल। इसका मतलब मेरी जगह में कुल चार पेंसिल आ पा रही है। पिंकी अब तुम्हारी बारी है। मेरी में हुई एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, मेरी जगह में कुल आई तीन पेंसिल। बच्चों क्या आपको लगता है कि पिंकी ने अपनी जगह को ठीक से मापा है? जी हाँ, आपने सही सोचा, पिंकी ने सही मापा है। इसका मतलब छोटू तुम्हारी जगह पिंकी की जगह से ज्यादा है। आओ मैं तुम्हारी जगह को बराबर बांट दूं। मम्मी ने छोटू और पिंकी की जगह को उन दोनों में बराबर बांट दिया। तो बच्चों देखा आपने कि छोटू ने क्या गलती की, उसने पेंसिल से माप लेते समय दो पेंसिलों के बीच में जगह छोड़ दी है। इसका मतलब कि छोटू ने छूटी हुई जगह का तो माप ही नहीं लिया, तो छोटू ने पूरी लंबाई को मापा ही नहीं। हमें माप लेते समय बिना खाली जगह छोड़े मापना चाहिए। छोटू आज अपने घर पर टेबल की लंबाई का हाथ से माप ले रहा है। एक, दो, तीन, चार। माँ यह टेबल तो सिर्फ चार बालिश जितनी लंबी है। छोटू बेटा, यह टेबल तो बहुत लंबी है, तुमने इसे कैसे मापा? जरा फिर से माप के दिखाओ। ठीक है मम्मी। एक, दो, तीन, चार, हो गया मम्मी। अरे छोटू, ऐसे जगह छोड़ छोड़ कर नहीं मापते, देखो मुझे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। देखा छोटू, मेरे हाथ से यह टेबल आठ बालिश्त लंबी है। अब तुम भी ऐसे माप के देखो। ठीक है माँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस। मेरे हाथ से यह टेबल दस बालिश्त लंबी है। अब समझे छोटू, चीजों को मापते समय हमें दो हाथों, बालिश्त के बीच जगह नहीं छोड़नी चाहिए। बीच में जगह छोड़ छोड़ कर माप लेने से
कुछ लंबाई हम माप नहीं पाते हैं, तो चीजों का माप गलत आ जाता है। अच्छा मम्मी, इसका मतलब कि जब भी माप लेना चाहिए तो दो बालिश्त माप लेने के बीच में जगह नहीं छोड़नी चाहिए। सही कहा छोटू। आपने देखा बच्चों, दो बालिश्त माप के बीच में जगह नहीं छोड़नी चाहिए, उससे माप गलत आता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम वस्तुओं की लंबाई मापने में होने वाली कुछ और गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों।